वेलकम टू चिकवर्ड। देखिए, इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 58 तक मोस्ट आईएमपी जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपको पिछले 6 से 7 महीने की करंट अफेयर को रिवाइज़ करना है, तो हमारे चैनल पर आप यूपी पुलिस करके जो कांस्टेबल करके एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सारा करंट अफेयर का पूरा सिलेबस वहाँ पर हमने कराया है, आप उसे देख सकते हैं। और मैं उन सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उन्हें देख लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। करंट अफेयर सेम होते हैं, कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है, और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप देख लीजिए, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया है कि हम आपके एग्ज़ाम तक हम आपको बहुत अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और बहुत ही ज़्यादा जो सिलेबस में आपके क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प हो सके, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के लिए वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। देखिए, वर्तमान में त्रिपुरा के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको अगर पता है तो ठीक है, और अगर नहीं पता तो याद रखिएगा कि वर्तमान में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं TY फेई, ठीक है, नाम इनका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनवरी 2018 जो इसरो ने अपने किस उपग्रह को लॉन्च किया, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जनवरी 2018 इसरो ने अपने किस उपग्रह को लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, कार्पोसैट 2, ठीक है, याद रखिएगा कार्पोसैट 2 है जो लॉन्च हुआ है अभी जनवरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हाल ही में जारी हुए भारत के सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ आपको याद रखना है कि भारत का सुपर कंप्यूटर क्या है, प्रत्यूष है, इसका आपको नाम याद रखना है। और क्या बोल रहा है कि हाल ही में जारी हुए भारत के सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का जो प्रमुख कार्य क्या है, तो आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इंटरनेट सेवाओं को दुरुस्त बनाना, या हैकिंग समस्याओं से निपटना, मानसून का पूर्वानुमान लगाना, या फिर रेल प्रणाली को दुरुस्त बनाना। तो देखिए, इसका थर्ड नंबर C नंबर इसका करेक्ट आंसर है, मानसून का पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। ये प्रत्यूष कंप्यूटर जो अभी हाल में ही भारत का सबसे इंटेलिजेंट और सुपर कंप्यूटर है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल में ही किस देश में विश्व का सबसे ऊंचा जो एयर प्योरीफायर लगाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, तो ये लगाया गया है आपका चीन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि योदाई आधार नंबरों की सुरक्षा के लिए KYC व्यवस्था कब से लागू करेगा, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये 1 जून 2018 से लागू कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आशियान भारत प्रवासी दिवस का जो आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, सिंगापुर में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हज सब्सिडी को ख़त्म करके केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के किस विशेष नीति पर अब कार्य करेगी, यानी आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि हज सब्सिडी जो मिलती थी वो ख़त्म कर दी गई है, और केंद्र सरकार ने किस और मुहिम करी है इस सब्सिडी को ख़त्म करने के, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, ये जो पैसे हैं इसमें खर्च करेंगे केंद्र सरकार, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली से सियालदह चलने वाली देश की पहली लग्जरी रेलगाड़ी कौन सी है, तो अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको पहले वाले करंट अफेयर वीडियो में प्रोवाइड कराया था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली से सियालदह चलने वाली देश की सबसे लग्जरी रेलगाड़ी कौन सी है, तो याद रखिएगा स्वर्ण राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोरो फेरी सर्विस, याद रखिएगा क्या है, रोरो फेरी सर्विस का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया है, तो याद रखिएगा रोरो फेरी सर्विस का जो उद्घाटन किया है ये आपका किया गया है गुजरात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हैदराबाद मेट्रो में जो प्रथम चरण की शुरुआत किस तिथि को की गई है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि हैदराबाद मेट्रो के प्रथम चरण की शुरुआत की गई है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 28 नवंबर 2017 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडिया 2028 क्या है, ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रेलवे एग्जाम में, क्या है कि इंडिया 2028 क्या है, तो आपके ऑप्शन दिए हैं, एक रिपोर्ट जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया 2028 तक विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, या एक एयरलाइंस का नाम है, या फिर इंडिया की नई क्रूज मिसाइल है, या एक नए बंदरगाह का नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि 2028 तक जो इंडिया है वो विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल में ही किस बैंक ने अपने पूरे 75 साल पूरे कर लिए हैं,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यूको बैंक ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोहिंग्या मुसलमानों की स्वदेश वापसी के लिए म्यांमार ने किस देश के साथ समझौते किए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये किए हैं समझौते आपके बांग्लादेश के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संप्रति 7 क्या है, तो आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बांग्लादेश का एक लड़ाकू विमान है यह, भारत एवं बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, एक मोबाइल ऐप है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संप्रति 7 है भारत एवं बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल में ही खाड़ी के किस देश ने महिलाओं के लिए खेल स्टेडियम खोलने की घोषणा की है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि खेल स्टेडियम की खोलने की जो घोषणा की है ये की है सऊदी अरब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनवरी 2018 के मध्य राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो आयोजन किया ये कहाँ पर किया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, तो ये आपका आंसर है कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल में ही साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत किस देश में की गई है, तो याद रखिएगा कि हाल में ही साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश का पहला रक्षा कॉरिडोर किस राज्य में खोला गया, तो आपके ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो याद रखिएगा कि देश का पहला रक्षा कॉरिडोर खोला गया है आपका तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बारिश के पानी को छत पर स्टोर करके जो उन्हें पुनः पुनः प्रयोग में लाने की व्यवस्था किस भारतीय राज्य में हाल में ही शुरू की गई है, तो इसका आंसर भी आपका है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडर 19 विश्व कप विजेता कौन रहा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है अंडर 19 जो विश्व कप विजेता रहा है ये रहा है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल में ही किस देश ने 35 वर्ष से लगे मूवी थिएटर पर प्रतिबंध को हटा दिया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखेगा कि जो 35 वर्ष से यहाँ पर प्रतिबंध बंद लगा था जो मूवी थिएटर पर उसे हटा दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशिया कप 2017 जिसमें भारत ने मलेशिया को हराकर, एक अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत ने किसे हराया, मलेशिया को हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया, एक कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ, तो आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये आपका बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध जो कवि थे दूधनाथ सिंह, याद रखे गए ज्ञानपीठ प्राप्त था ये और काफ़ी प्रसिद्ध मतलब कवि थे दूधनाथ सिंह, इनका हाल में ही निधन हो गया, यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो याद रखे गए इनका जो निधन हुआ है ये आपका इलाहाबाद में हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये भी याद रखिएगा कि दूधनाथ सिंह जो हैं ये उत्तर प्रदेश से के ही थे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी का हाल में ही निधन हो गया, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित थी, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इनका जो निधन हुआ ये फरवरी में हुआ है, और ये किस राज्य से संबंधित है, भारतीय राज्य से इनकी जो जन्मभूमि रही है शुरू से ही, तो वो आपका है तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश का पहला राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो याद रखिएगा देश का पहला राष्ट्रीय रेल परिवहन विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया ये आपका किया गया है गुजरात के बड़ौदा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा 2017 का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन किया गया ये चीन में किया गया, और विनर आपको पता ही होगा मानुषी छिल्लर जी रही। ठीक है, जो कि हरियाणा की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2018 में भारत ने किस देश को हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया, तो याद रखिएगा जो ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप था इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हॉकी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि हॉकी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये किया गया है सरदार सिंह जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टाइप बार पीसीबी क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्या है टाइप बार पीसीबी क्या है, तो ये क्या है टाइफाइड की एक न्यू वैक्सीन है जो अभी भारत में लॉन्च की गई है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कोलकाता हावड़ा ब्रिज ने अपनी स्थापना से अब तक कितने वर्ष पूरे किए हैं, यानी कितने वर्ष का हो गया है हावड़ा ब्रिज अब, तो आपके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है याद रखेगा, इसी ने अपना 75 वर्ष जो है वो पूरे किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 71वें बाफ्टा पुरस्कार 2018 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है, तो आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो याद रखिएगा सिरी बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिशोरी को चुना गया है बेस्ट फिल्म, और याद रखिएगा द सेफ ऑफ वाटर को ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
69वें गणतंत्र दिवस के मौके पर निम्नलिखित में किस देश के लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए? यानी इस बार क्या है, काफ़ी 10 देशों के मतलब प्रतिनिधियों ने भाग लिया था हमारे गणतंत्र दिवस में, तो यहाँ पर कुछ देश के लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है। तो आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि इसमें से कौन से देश के लोक नृत्य जो प्रस्तुत किए गए, तो याद रखिएगा कि मलेशिया, कम्बोडिया और थाईलैंड, इन सभी के लोक नृत्य जो है प्रस्तुत किए गए थे इस बार की गणतंत्र दिवस की झांकी में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल में ही लॉन्च हुआ दिव्यांग सारथी क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन क्या है कि हाल में ही लॉन्च हुआ दिव्यांग सारथी क्या है? एक विशेष संस्था का नाम है, या एक मोबाइल ऐप है, एक एयरपोर्ट का नाम है, या फिर एक बंदरगाह का नाम है? तो याद रखिएगा दिव्यांग सारथी जो है ये आपका है एक मोबाइल ऐप, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सऊदी अरब में हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन किस तिथि को किया गया? तो आपके ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो याद रखिएगा कि 5 जनवरी 2018 को सऊदी अरब में हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल में ही वैट व्यवस्था किन दो देशों में एक साथ जो है लागू की गई है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो याद रखिएगा वैट व्यवस्था खाड़ी के दो देशों में एक साथ लागू करी गई है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों ही जगह एक साथ लागू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेंसिल पोर्टल है क्या है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके ऑप्शन है शिक्षा संबंधी कार्यक्रम है, या बाल मजदूरी रोकने का कार्यक्रम है, बच्चों को प्राथमिक स्कूल भेजने का कार्यक्रम, या सही सभी सही हैं? तो याद रखिएगा ये बाल मजदूरी को रोकने का कार्यक्रम है पेंसिल पोर्टल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योनो डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म शुरू किया है, तो याद रखिएगा योनो डिजिटल सेवा जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है ये क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हाल में ही खाड़ी के किस एक देश ने महिला रोबोट सोफिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, महिला रोबोट सोफिया जो है को अपने देश की नागरिकता प्रदान कर दी है इन्होंने, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो याद रखिएगा ये जो देश है ये है आपका सऊदी अरब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हॉटलाइन सेवा किन दो देशों के साथ प्रारंभ हुई है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है कि हॉटलाइन सेवा जो प्रारंभ की गई है भारत और चीन के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मई 2018 में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत रोशन होने वाला अंतिम गांव है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए काफ़ी मतलब चर्चा में भी रहा था, तो ये है लिशांग गांव, ठीक है, ये मणिपुर का एक गांव है जो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत रोशन होने वाला अंतिम गाँव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत पुरुष हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा कि जो पुरुष हॉकी टीम का जो नया कोच है ये है हरेंद्र सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेस्ट एक्टर का दादा साहब फाल्के अवार्ड हाल में ही किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछा जा रहा है, ना कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ बेस्ट एक्टर का अवार्ड अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ये मिला है अक्षय कुमार जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल में ही प्रदान किए गए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बेस्ट मनोरंजक फिल्म यानी एंटरटेनमेंट फिल्म का जो पुरस्कार मिला है ये मिला है बाहुबली को, ठीक है। और बेस्ट फिल्म जो हिंदी बेस्ट फिल्म मिला है ये आपका न्यूटन को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज घोषित किया गया? तो आपके ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो याद रखिएगा कि हाल में ही सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य घोषित किया गया है, ये आपका किया गया मध्य प्रदेश, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महिला क्रिकेटर में सर्वाधिक वनडे खेलने वाली खिलाड़ी बनी, यानी महिला क्रिकेट में जो सर्वाधिक वनडे खेलने वाली कौन सी जो खिलाड़ी बनी है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है मिताली राज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस संचार सैटेलाइट ने इसरो का हाल में ही संपर्क टूट गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा G-SAT-6A से इसरो का हाल में ही क्या है, संपर्क टूट गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मई में संपन्न हुए अर्थ आवर की शुरुआत किस सन में की गई थी? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये पूछा भी गया है एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये स्टार्ट किया गया था 2007 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वरुण 2018 भारत का किस देश के साथ सैनिक अभ्यास है? ठीक है, याद रखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वरुण 2018 भारत का किस देश के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास है? तो आपके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो याद रखिएगा ये आपका है फ्रांस के साथ, ठीक है। और ये सभी वीडियो हमारे चैनल में प्रोवाइड है, अगर आप स्पेशली इन्हें पढ़ना चाहते हो तो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल में ही किस जीव का दुनिया से अस्तित्व जो है वो खत्म हो गया? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेगा तो उत्तरी गैंडे का जो कि केन्या में था अब इस लास्ट था ये, और ये अब ख़त्म हो गया, यानी पृथ्वी से इसका अस्तित्व खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रूसिया क्या है?
तो आपके ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो याद रखिएगा कि रूषा है उच्चतर शिक्षा संबंधी एक कार्यक्रम। तो देखिए ये 50 क्वेश्चन थे और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और जितना हो सकता है हम आपको बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।